स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ जोत्स न हर दिन लेकर आते हैं इस कार्यक्रम में एक नया विषय और होते हैं विषय से संबंधित विशेषज्ञ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे कार्यक्रम का विषय है उसके संबंध में आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसे फोन कॉल के जरिए हम शामिल करें तो आइए आपको बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा आज के कार्यक्रम का विषय है मछली पालन और ब्रॉयलर उत्पादन विषय आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें मछली पालन और ब्रॉयलर उत्पादन तो इन विषयों पर जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर्स एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य और एक आठ शून्य शून्य तीन शून्य छ एक पे हमें फोन कर सकते हैं और आइए आपका परिचय करवा दें हमारे स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों से रॉयलर उत्पादन पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर वी के सक्सेना जी और साथ ही मछली पालन पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में तो आइए कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सक्सेना से ब्रॉयलर उत्पादन के संबंध में डॉक्टर सक्सेना सबसे पहले एक बहुत ही आम सवाल आपसे करना चाहेंगे ब्रॉयलर उत्पादन की हमारे देश में किस तरह की स्थिति है धन्यवाद मैडम मैं पहले तो अपने किसान भाइयों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आज हमारे देश में ब्रॉयलर पालन की क्या स्थिति है तो आज हमारा देश मराला पालन पालन में, में काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है अगर हम पिछले चार दशक में देखें तो भारत ने समूचे जो कुकुट पालन का क्षेत्र है इसमें अभूतपूर्व वृद्धियाँ की हैं अगर हम परसेंट ग्रोथ की बात करें तो अंडे और मांस दोनों के उत्पादन में हज़ार परसेंट से ऊपर तक की उछाल भारत ने ली है इसमें अगर सत्तर इकहत्तर के दशक से लेकर और आज तक का अगर इसमें ब्यौरा देखें पिछले तीन दशकों से भी तीन सालों का भी यदि हम देखें तो हमारे देश ने लगातार इसमें वृद्धि की है अगर हम तेरह चौदह और आज का जो हमारा स्थिति है बारह तेरह से सोलह तक की जो स्थिति है उसको देखें तब भी जो अंडे का क्षेत्र है उसमें लगभग दस परसेंट और जो मांस का क्षेत्र है उसमें हमने करीब करीब चौदह परसेंट पंद्रह परसेंट की वृद्धि की इसके साथ ही इस सबसे जो बड़ा जो हमारा अचीवमेंट रहा वो ये है कि जो खपत दाने की है उसको हमने बहुत काफ़ी सीमित करा पहले जैसे ब्रायलर पालते थे तो लगभग तीन किलो दाना खाकर वह एक किलो वजन दे पाता था जबकि आज हम और उसमें करीब दस हफ्ते तक का समय लग जाता था आज पाँच सप्ताह में करीब 1.6 केजी, डेढ़ किलो से पौने दो किलो के बीच में दाना खाकर पाँच हफ्ते में ब्रॉयलर लगभग एक किलो आठ सौ ग्राम एक किलो नौ सौ ग्राम तक पहुंच जा रहा है तो इतनी ज्यादा तरक्की हमारे देश ने ब्रायलर पालन में की है जी। और इसके साथ साथ ही हम दाने के क्षेत्र में भी बहुत हमने बचत की क्योंकि कुछ चीजें दाने में पड़ती हैं जो आदमी के भोजन के काम भी आती अब आप जानना चाहेंगे, पालन की कैसी स्थिति देखते हैं और है मछली पालन के बारे में जैसे आपने पूछा, को मैं बता दू की मछली पालन में बहुत अपार संभावनाएं है ये संभावनाएं जैसे हमारा देश अभी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है मछली उत्पादन में और आज के डेट में ये जो 16-17 में हमारा मछली उत्पादन ग्यारह मिलियन टन है मतलब एक सौ दस लाख टन मछली उत्पादन हो रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान है वो मीठा जल का है मीठा जल का करीब मछली उत्पादन इसमें हो रहा है आपको साठ प्रतिशत और ये मछली उत्पादन में जो संभावनाएं हैं उसमें युवा पीढ़ी के लोग नए नए अभी तकनीकों को सहायता लेकर के उसमें काफ़ी मछली को उत्पादन में भागीदारी ले रहे हैं और इसमें एक और बातें हैं एक तो इसमें रोजगार बहुत ही मिलता है दूसरा उसका इसमें मैडम क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज काफी मिलता है तो किसान जो उन्नत किसान है जो काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं वो उसको प्रोसेसिंग करके उसको बाहर निर्यात भी करते हैं तो उससे हमारे देश की भी काफी जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है, है और आज के दिन में जो सोलह सत्रह में है वो फाइव पॉइंट एट नाइन बिलियन डॉलर है अपना फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल इसके बारे में भी आपसे आगे जरूर हम बात करेंगे मछली पालन के संबंध में तमाम जानकारियां लेंगे लेकिन आइए बातचीत को यहां रोकते हैं और देखते हैं मछली पालन पर आधारित एक खास रिपोर्ट भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां सत्तर प्रतिशत लोगों का जीवन यापन खेती बाड़ी पर निर्भर है कृषि संसाधनों के साथ बहुत से व्यवसाय जुड़े हैं जिनमें से एक मछली पालन है मछली पालन को जलीय खेती भी कहा जाता है वर्षाकालीन मौसम में गांव, जोहड़ तालाब आदि में जल संचय के साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं मछली की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, जिनको पालकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इसके अतिरिक्त मछली सुखाकर आचार चटनी बनाकर व्यवसाय के रूप में अपनाकर दोहरा लाभ भी कमाया जा सकता है मछली स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है इसमें बहुत सारे विटामिन एवं प्रोटीन पाए जाते हैं मछली खाने से हृदय रोगियों को भी लाभ होता है तथा इससे चर्बी भी कम होती है अतः खेती के साथ साथ मछली पालन कर किसान पोषण और लाभ दोनों कमा सकते हैं तो अभी आपने देखी मछली पालन पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट हमारे आज के कार्यक्रम का विषय यही है ब्रॉयलर उत्पादन और मछली पालन विशेष के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य और छह एक पे हमें फोन कर सकते हैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो विशेषज्ञों तक आपका प्रश्न साफ तौर पर सुनाई दे पाएगा राजेंद्र जी हमारे पहले कॉर नागपुर महाराष्ट्र समार्थ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आइए शामिल करते हैं उनका सवाल हेलो हेलो राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए हम हमको है ना वो ये मुर्गी पालन के लिए आपको नीक्षण चाहिए मुर्गी पालन के लिए जी बालर के लिए जी तो जी. हमको है ना वो नागपुर में जो है ना कार्यशाला है वही हमको एक परीक्षण चाहिए उसका मुर्गी जी तो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं आ, नागपुर से पोल्ट्री फार्म के प्रशिक्षण के लिए आपको कई जगह व्यवस्था मिल सकती है नागपुर में ही हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आई उसकी ही तत्वाधान में एक विश्वविद्यालय आता है वो नागपुर में ही स्थित है उसके अंदर आपको इसमें पोल्ट्री से संबंधित सारे प्रशिक्षण वहाँ दिए जाते हैं वहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और उत्तर भारत में जिस संस्थान से मैं आता हूँ सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वहाँ भी हम लोग कई तरह की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाते रहते हैं फार्मर्स के लिए दस से ग्यारह दिन का एक आम प्रोग्राम चलता है उसकी कोई फीस नहीं है बाकी विषय वस्तु पर आधारित कई प्रोग्राम हैं जैसे ब्रॉयलर प्रोडक्शन के लिए अलग से प्रोग्राम है लेयर उत्पादन के लिए अलग से प्रोग्राम है हैचरी मैनेजमेंट के लिए अलग से प्रोग्राम है तो इस तरह अलग अलग विषयों पर भी स्पेशलाइज्ड जो प्रोग्राम है वो भी दिए जाते हैं उनकी हम लोगों ने थोड़ी सी फीस किसान भाइयों के लिए रखी है और वो हमारे जो संस्थान है उसमें रहने की व्यवस्था भी उनके लिए रहती है तो आप बहुत सारी जगहों पर जो कुकुट की प्रशिक्षण दिए जाते हैं पालन के लिए सीपीडीओ है भारत के जो सी सेंट्रल डी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोर्डी पर भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं तो प्रशिक्षण के लिए कई जगह आप नागपुर में तो स्वयं यूनिवर्सिटी ही है वहाँ उनसे जाकर आप वार्ता कर सकते हैं और प्रशिक्षण लेने के लिए आपको जरूर वहाँ व्यवस्था होगी जी बिल्कुल तो हम आशा करते हैं आपको इस उत्तर से जरूर संतुष्टि मिलेगी भुवनेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं फोन लाइन पर आई जानते उनका सवाल हेलो हेलो किसी कारण लगता है संपर्क उनसे टूट गया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं डॉक्टर राजेश के पास डॉक्टर राजेश मछली पालन से क्या लाभ हो सकता है हमारे किसानों को किस तरह उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अब बार बार ये कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है तो उसमें मछली पालन किस तरह से सहायता कर सकता है बहुत अच्छा प्रश्न मैडम इसमें मछली पालन से क्या है जो हमारे भारत सरकार स्पेशली जो प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल रहे हैं है। कि किसानों की आय को दुगनी करनी है उसमें मछली पालन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है क्योंकि मछली पालन का हमारा जो एक अगर एक हेक्टेयर में एक हेक्टेयर में मछली पालन करते हैं तो आराम से तीन से चार लाख रुपये की आमदनी हो सकती है जो कि अन्य जो फसलें हैं उसमें नहीं हो सकती और ये इसको कैश क्रॉप बोलते हैं जब कि जब भी उनको चाहिए मछलियों को बेच करके वो पैसा उससे कमा सकते हैं और बात है कि इस मछली जो पालन में करीब छः से सात परसेंट की वार्षिक वृद्धि हो रही है उसमें अपार संभावनाएँ हैं काफ़ी हमारे देश में रिसोर्सेस हैं जैसे पौन है टैंक्स है जो हमारे जलाशय है बड़े बड़े जलाशय है बहुत नदियाँ हैं समुद्री किनारा है तो ऐसे जगहों में हम मछली पालन करके वो जगह का भी उप, हम उपयोग कर सकते हैं और इससे आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है जी इसी के साथ देवेंद्र जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आइए उनका सवाल शामिल करते हैं हेलो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं ये चाहिए थी मेरे पास जमीन है जी मैं जो है उसपे मछली पालन का कार्य करना चाहता हूँ जी कितनी जमीन है आपकी जी मैडम जमीन तो हमारे पास पांच बीघे हैं। लेकिन कुछ हिस्सा है जो मतलब कि पानी तो वहाँ पे है लेकिन वहाँ पे जो है खेती हम उतना कर नहीं पाते हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ मछली पालन का कार्य कर सकूँ तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा जी पांच बीघा जमीन है आपकी बिल्कुल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से इनकी जमीन जैसा किसान भाई बता रहे हैं इनके ज़मीन मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि हम लोग जिसमें धान गेहूं और जो अन्य फसल हो रहा है उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलते कि आप उसमें मछली पालन करिए जब ये इसमें ऑलरेडी वहाँ उनके यहाँ पानी उसमें रहता है खेत में तो मछली पालन आराम से कर सकते हैं उसमें वही है कि अगर उनके पास तालाब नहीं है केवल जमीन है तो तालाब खुदवाने के लिए प्रयत्न करें उसमें सरकार भी अनुदान दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उनके स्टेट गवर्नमेंट है दोनों मिलकर उनका अनुदान भी देते हैं एक बार पो, पोखरा बन बन गया तो उसमें मछली जो हमारा जो भारतीय मेजर कार्प बोलते हैं भारतीय प्रमुख कार्प जिसमें रोहू कतला और मृगा आता है उसमें करीब पाँच बीघे से वो आराम से तीन से चार लाख की कमाई कर सकते हैं बट वो पाँच बीघा जो है एक ही जगह होनी चाहिए मैंने उसमें जलाशय किया जा सकता है जी बस जलाशय करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें किसान भाई कि उसका जो मिट्टी का जांच कर लें मिट्टी का थोड़ा जांच कर लें जो कि हर एक जो उनका जो मछली के जो ये है हर एक जिला में एक उनका एक ऑफिस होता है वहाँ पर जाके उनसे मिले और थोड़ा मिट्टी का जांच कर लें अगर मिट्टी अच्छी है तो जरूर आप मछली पालन में लग जाएं उससे आपको काफी आमदनी हो सकती है बिल्कुल संचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखीमपुर से इस वक्त फोन लाइन पर आइए उनका प्रश्न शामिल करते हैं हेलो 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 जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछिए सर हम फार्मर हैं जी और हमारे फार्म में बहुत दिक्कत आ रही है जो बीमारियां लगती हैं उनके बारे में थोड़ा अपरिचित है किस चीज का फार्म है आपका मुर्गी का फार्म है कैसी दिक्कतें आती मुर्णी है भार, किस तरह की दिक्कतें आती है जैसे मुर्गी फार्म में मतलब बच्चे अच्छे डालते हैं तो उसमें बीमारियां आ जाती है इस बार पता नहीं कौन सा वैक्सीन इंजेक्शन हुई या पता नहीं क्या हुआ जी संजीत तो जी आप मतलब जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहें डॉक्टर सक्सेना आप कुछ डायरेक्ट सवाल उनसे करना चाहेंगे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए जो मुर्गी जिस व्यवस्था में आप पाल रहे हैं वो उचित व्यवस्था में पाल रहे हैं नहीं क्योंकि प्रबंधन का बहुत प्रभाव पड़ता है और खास तौर से ठंड के मौसम में जैसे आजकल है यदि प्रबंधन उचित नहीं होगा तो आवश्यक तौर पे मृत्यु दर बढ़ जाएगी और दूसरा एक बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण बिंदु है यदि आप मुर्गियों को सही प्रकार से जैव सुरक्षा नहीं देंगे उनका वैक्सीनेशन ठीक से नहीं कराएंगे और जो बिछावन नीचे आप लीटर जो बिछा रहे हैं वो सूखा नहीं रहेगा कम जगह में ज़्यादा मुर्गियाँ डाल देंगे तो वो सब दिक्कतें उनसे आएंगी बीमारियाँ भी आ जाएंगी और उसके साथ साथ मृत्यु दर बढ़ेगी उनकी जो खान पान का जो उनका इस तरह वो भी उसमें भी गिरावट आएगी जिससे उनकी ग्रोथ अफेक्टेड होगी तो आपको कुल मिलाकर बहुत हानियाँ होंगी इससे तो इन सब बिंदुओं पर आप ध्यान दें उनके पालने के लिए उचित तापमान दें इस समय चूँकि इस समय बहुत ठंड पड़ने लग गई है उत्तर भारत में यदि तापमान उनका ठीक नहीं हुआ जहाँ आप रख रहे हैं तो ठंड से भी बच्चे मरेंगे और यदि नीचे लीटर गीला है तब बहुत तरह की बीमारियाँ उनमें आएंगी कॉक्सीडी आ सकता है कोई बैक्टीरियल और भी बीमारी आ सकती हैं वायरल डिजीज इस समय बहुत सारी आ जाती हैं वो भी आ सकती हैं तो लीटर को सूखा रखना उचित प्रकाश व्यवस्था देना उचित स्पेस मतलब प्रति मुर्गी आप एक किलोग्राम पर एक स्क्वायर फीट की जगह मानकर आप चलें उसमें इतनी जगह होनी चाहिए यदि ज्यादा सघनता के साथ आप उन्हें पालेंगे कम जगह में ज्यादा मुर्गी रखेंगे तो उससे उनमें जो है ग्रोथ अफेक्टेड होगी और मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो और बायो बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है आपका फार्म जहाँ है उसके पास आसपास में दूसरे फार्म भी होंगे उनकी मुर्गी में कोई बीमारी यदि आएगी तो आपकी मुर्गी में भी आना स्वाभाविक है वो बिल्कुल। यदि आप उनसे उचित बचाव नहीं करते हैं और यदि आप मरी हुई मुर्गियों का ठीक तरह से निस्तारण नहीं करते उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं तो उनसे संक्रमण फैलेगा उससे बीमारी आएगी टीका आप उचित तरह से नहीं लगवा रहे हैं सही जगह से नहीं लिया है टीका और वो टीके की जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है या लगाने का तरीका ठीक नहीं है तब भी वो बेअसर होगा फिर भी बिल्कुल, में बिल्कुल तो आपने... ये सब चीजें आप अगर ध्यान देंगे अगर आपके पास में कोई वेटनेरियन है वहा तो कृपया आप उनसे परामर्श करें और लखीमपुर मेरे ख्याल में बरेली से बहुत दूर नहीं है आप कुछ पक्षी लेकर अपने यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह उनका करा सकते हैं ताकि हम उसमें ये देख के कर पाए कि कौन सी तरह की डायग्नोस कर पाए कि कौन सी तरह की बीमारी इनमें है और किस तरह का इलाज आपको जी, है जा सकता जी है। तो डॉक्टर सक्सेना आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी है छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइए बने रहिए दूरदर्शन के पर देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हाल के साथ मंडियों का हाल कमोडिटी की चाल किसके गिरे भाव किसने दिखाए ताव सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे और दस बजे डीडी किसान पर के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में जहाँ पे आज के कार्यक्रम का विषय है मछली पालन और ब्रॉयलर उत्पादन विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छह शून्य और छ एक पे हमें फोन कर सकते हैं नंबर बिल्कुल फ्री है आपके लिए टोल फ्री नंबर है और इसमें अगर आप फोन करेंगे तो आपका कोई शुल्क

और के लिए शासन द्वारा कोई आ, मतलब अनुदान वगैरह मिलता है क्या है सभी विषय में जानकारी चाहिए जी बिल्कुल तो तमाम विस्तार से जानकारी लेते हैं अच्छे बीज के लिए भी और मध्य प्रदेश के हिसाब से क्या कोई अच्छी उन्नत किस्में हैं इनकी प्रजातियां हैं कुछ मध्य प्रदेश में ज़्यादातर लोग जो भारतीय मेजर कार्प है उसके पालन कर रहे हैं और किसान भाई ने जब पूछा कि उन्नत बीज बीज के बारे में तो वो बीज जो वहाँ उनको सभी जगह जो राज्य में है उनमें हैचरीज है वो तो हैचरी से जा कर के वो बीज ले सकते हैं या नहीं तो अगर उनको अलग अलग मछलियों का पालन करने का अगर उनको शौक है या उनको लग रहा है कि हम कुछ नई तरह की मछलियाँ पालन करें तो थोड़ा प्रशिक्षण कोई भी भारतीय अनुसंधान परिषद के जो ये है इंस्टीट्यूट है वहाँ जाकर ले लें जैसे आपको सिफा आ कर सकते हैं भुवनेश्वर में जो मीठा जल पानी जो यहाँ जो मध्य प्रदेश में है जो मीठा जल पानी का ज़्यादा वहाँ पर संभावना है और वहाँ केवल मीठा जल मछली पालन कर सकते हैं तो वहाँ अगर आप प्रशिक्षण ले लें तो आपको बहुत सारी जो कौन कौन सी मछली जैसे आप भारतीय कार्प कर सकते हैं सौर मछली का पालन कर सकते हैं जो क्लाइम्बिंग पर्च है उसका कर सकते हैं फिर मागुर है तो मागुर मछली का पालन कर सकते हैं झींगा मछली भी जो मीठा जल में है उसका पालन कर सकते हैं और इससे आपको काफी लाभ होगा अनुदान के संबंध में भी जानकारी अच्छा, लेना अनुदान, अनुदान अनुदान के संबंध में मैं बता दूं कोई अनुदान जो अभी जो एक जो नीली क्रांति चल रही है उसके आ, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या है राज्य सरकार को अनुदान दे रही है और राज्य सरकार उनको किसानों तक मुहैया करा रही है तो आपको जो अनुदान के लिए आपके जिला के पद, मत्स्य पदाधिकारी से मिलें और उन, उन अपना बताएं कि हम इतना एकड़ में मछली है पालन करना चाहते हैं इतना सीड, सीड पर भी अनुदान प्राप्ति हो रहा है तो आप मत्स्य पदाधिकारी जो जिला के हैं उनसे जरूर मिलें इसके संदर्भ में बिल्कुल तो श्यामलाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से आइए उनका प्रश्न भी शामिल करें हेलो हेलो हाँ मैडम जी श्यामलाल जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं क्या जानना चाहते हैं आप मैडम जी हमारे पास साढ़े तीन एकड़ जमीन है हम मछली पालन करन, करना चाहते हैं तो उसमें मैडम जी तालाब वाला के लिए कैसा क्या तो संविधान के बारे में सुना मैंने टीवी में तो जी बिल्कुल क्या ह, तालाब निर्माण के लिए भी अनुदान मिलता है और कोई प्रश्न आपका तो मैडम जी मैं ये कह रहा था जी हमारे पास पानी का अच्छा साधन भी है ट्यूबवेल ट्यूबवेल से भी जैसे पानी कम कम होने की बात ही नहीं पानी पर्याप्त है हमारे पास जी तो मछली पालन करना चाहता हूँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मछली पालन के लिए प्रमुख जो स्रोत है उसका जो रिसोर्स है वो पानी तो जरूरी होना चाहिए आपके पास पानी की प्रचुर मात्रा है तो आप क्या कर सकते हैं जो अनुदान के लिए आपने बात की है कि पाँच एकड़ का आपके पास है तो अनुदान के लिए अभी जो एक नीली क्रांति जो मैं अभी अभी अभी, अभी बताया क्रांति का जो एक स्कीम चल रही है उसमें उसके अंतर्गत आपको राज्य सरकार और भारत सरकार मिल के करीब फिफ्टी फिफ्टी का दोनों का शेयर है उसमें अनुदान दे रही है तो आप जरूर आप अपने राज्य के पदाधिकारी से मिले इसके बारे में कि आपको अनुदान कैसे मिले और ये मिल रहा है आप उसका लाभ उठाए बिल्कुल तो डॉक्टर सक्सेना ब्रॉयलर का जो उत्पादन है वो मांस के लिए किया जाता है कौन सी वैज्ञानिक विधियां अपना सकते हैं हमारे किसान जिससे उनको आय जो है उसमें बढ़ोतरी मिल सके देखिए पहले जो ब्रायलर का उत्पादन होता था तो लोग मुर्गी समझकर किसी भी मुर्गी की तरह पालते थे तो उसमें यदि हम उचित व्यवस्थाएं देते हैं हम जिस तरह का भी जर्म प्लाज्म या बीज लेकर आ रहे हैं यदि उसके हिसाब से उसे उचित व्यवस्था नहीं देंगे तो उसमें उतना लाभ अर्जित नहीं कर पाएंगे उचित व्यवस्था से मेरा तात्पर्य तीन मुख्य बिंदुओं से है एक तो मैनेजमेंट या प्रबंधन प्रबंधन के अंतर्गत हम उसकी जगह कितनी दे रहे हैं प्रति मुर्गी जगह कितनी दी जा रही है उसमें उचित तापमान की व्यवस्था है उसमें उचित प्रकाश की व्यवस्था है उसमें वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है उसमें हम जो साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था कर रहे हैं जो जैव सुरक्षा है उसकी उचित व्यवस्था कर रहे हैं ये सब बिंदु हमें ध्यान देने पड़ेंगे दूसरा उसमें फीडिंग मैनेजमेंट फीड हम उनको जो दाना दे रहे हैं वो दाना किस तरीके का है यदि दाना में सारे अवयव जो मुख्य तौर तो से दाने में अवयव हम इस्तेमाल करते हैं दाने में सबसे पहले प्रोटीन फिर उसकी ऊर्जा का स्रोत फिर उसका आ, आ, जो विटामिन है और मिनरल्स हैं ये चारों चीज़ें अगर संपुष्ट आहार में पूरी तरह से उचित परसेंटेज में यदि मिली नहीं होंगी तो ग्रोथ उतनी बढ़ बढ़िया तरीके से नहीं होगी प्रोटीन कम होगा तब भी ग्रोथ अफेक्टेड होगी एनर्जी यदि नहीं ठीक नहीं होगी तब भी ग्रोथ अफेक्टेड होगी कोई विटामिन कम है तो उस तरह के लक्षण मुर्गियों में आने लगेंगे उस विटामिन के अभाव के कारण जो होते हैं और यदि कोई मिनरल कम है तो मिनरल के कमी के कारण भी कई सारी बीमारियाँ कई सारे लक्षण आ जाते हैं यदि कम जगह में ज़्यादा मुर्गियाँ भर दी तब सघनता के कारण बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी यदि तापमान व्यवस्था उचित नहीं है तो ठंड के मौसम में मृत्युदर बढ़ जाएगी तो ये सब चीज़ें आप यदि उचित तापमान उचित दाना चा उनके लिए और उचित जमीन स्पेस देते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और तीसरी जो चीज़ है वो रोग निदान और रोग को रोगों की रोकथाम तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी और जैव सुरक्षा साथ में इसके लिए डेली मुर्गी के बाड़े में साफ सफाई होना जी। जो मुर्गी मर गई हैं उनको निकालना हर दिन ये काम करना है और उसके निकालने के सुबह सुबह ये काम हो जाना चाहिए उसके निकालने के साथ साथ उनको इधर उधर ना फेंकें क्योंकि इन सब संक्रमण फैलने का डर है और आपके आसपास में जो जंगली पक्षी रहते हैं वो उनको इधर उधर लेकर उड़ते हैं इनके शरीर में जो भी बैक्टीरिया या वायरस जिसके कारण ये मरी हैं वो दूर दूर तक फैलाते हैं जिससे और जो मुर्गी के बाड़े हैं वो भी अफेक्टेड होंगे और आपकी अन्य मुर्गियों में भी ये बीमारी जाने का खतरा रहेगा तो उनको गड्ढा खोद कर या जला कर या तो गड्ढे में दफन करें उसमें उसमें ऊपर से चूना डालें और उसको अच्छी तरह पाटें या सबसे अच्छा तरीका उनको जला दें तो ये यदि ठीक तरीके से उनका निस्तारण नहीं होगा इधर उधर फेंका जाएगा तब भी दिक्कत पैदा होगी रोग निदान भी बहुत जरूरी है इसके लिए किसी पशु चिकित्सक से परामर्श जारी रखें और यदि आपको मुर्गियों में कोई लक्षण इस तरह के दिखते हैं कि वो दाना चारा नहीं खा रही हैं एक जगह इकट्ठा हो रही हैं या टूल रही हैं जैसे सोने जैसी व्यवस्था में एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रही तो तुरंत पशु से, से परामर्श करें और उसकी सलाह लें और वैक्सीनेशन जी डॉक्टर सक्सेना शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है ताकि बीमारी आए ही ना जी बिल्कुल इसी के साथ रवि प्रकाश जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखीमपुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर आइए उनका सवाल शामिल करते हैं हेलो हाँ मैडम जी रवि प्रकाश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछे आप क्या जानना चाहेंगे मतलब मुर्गी पालने के लिए मैनेजमेंट मैंने के बारे में जानना चाहिए मतलब टीका जो वैक्सीन है कैसे है क्या करें हम फार्मर ऑलरेडी हैं दो साल से मुर्गी पाल रहे हैं इस बार पता नहीं क्या हुआ और जो टीका टीका हुआ वैक्सीन हुई उसके बाद मतलब वो तो मामला गड़बड़ हो गया और बच्चे मरने लगे सुख सुख के किस चीज का टीका लगवाया था आपने कम्बोरो वाला तीसरा वाला नहीं कई टीके किसी बीमारी के लिए लगते हैं कौन सी बीमारी का टीका में लिए। आ, मैं एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ टीके हर बीमारी के अलग अलग तरीके के टीके लगते हैं जिस बीमारी का आप टीका लगाएंगे तो वो उस बीमारी की ही रोकथाम करेगा दूसरी बीमारी को नहीं रोकेगा और दूसरी बात यह है कि टीके की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर आप टीका किस स्रोत से ले रहे हैं यदि उसने उसकी एक जो कोल्ड चेन कराती है उसको ठंडे तो उसमें नहीं रखा है लगातार तब उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी उसका जो जो प्रोटेक्शन देना है टीके को जो आपके मुर्गियों को बचाव करना है वो नहीं कर पाएगा उसके अंदर जो बीमारी से लड़ने की ताकत दे पाने की क्षमता है वो ख़राब हो जाएगी तो टीका जहाँ से आप ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए टीके की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है दूसरा आप जब उसको लगा रहे हैं तो लगाने की विधि ठीक होनी चाहिए यदि वो टीका शरीर में ठीक तरह से जिस जगह जाना चाहिए उस जगह नहीं जा रहा है तब भी वो उतना आ... आ... एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा जितनी बनानी चाहिए आपको स्किन में लगाना है तो स्किन में लगाएं आँख में डालना है तो आँख में डालें मसल्स में लगाना है तो मसल में जाना चाहिए तो जो जिस विधि से टीका जाना चाहिए उस विधि से जाना चाहिए यदि व्यक्ति को पता नहीं जो टीका लगा रहा है वो गलत तरह टीका लगाएगा तब उसका प्रोटेक्शन लेवल बढ़िया नहीं आएगा तो इसलिए और आपने जैसा बताया उसमें सूखने लगे बर्ड्स तो वो कोई और बीमारी आई होगी टीका किसी और बीमारी का लगा होगा ये कारण यह भी हो सकता है या टीके ने वो प्रोटेक्शन नहीं दिया होगा जो प्रोटेक्शन उसे देना चाहिए था क्योंकि टीके की गुण गुणवत्ता या तो ठीक नहीं होगी या लगाने की विधि में कोई गलती रही होगी जी बिल्कुल तो यहाँ पर आपको विस्तार से डॉक्टर सक्सेना ने तमाम जानकारी दे दी और हम आशा करेंगे कि इन जानकारियों का आप जरूर लाभ उठाएंगे डॉक्टर राजेश एक बार फिर आपके पास वापस आते हैं मछली पालन में कौन सी नई तकनीकें हैं जिनको अपनाकर किसान अच्छा मछली उत्पादन कर सकते हैं अभी हमारे संस्थान जो कि भुवनेश्वर में है मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान वहां पर अभी करीब छब्बीस मछली के प्रजातियों पे काम चल रहा है और उसमें से हम लोग को क्या होता है जो हमारे भारतवर्ष में करीब तीन से पाँच मछली के ऊपर ज़्यादा ही लोग किसान लोग उसका खेती कर रहे हैं जैसे है, है रोहू है कटला है मृगाल है और कुछ एकजोटिक कार्प्स है जो कॉमन कार्प और ग्रास कार्प बोलते हैं तो अभी हम पर हमारे यहाँ बहुत सारे मछलियों पे काम हुआ है और उसका जो तकनीकी है विकसित किया गया है जैसे अभी है क्लाइम्बिंग पर्च बोलते हैं जिसको हिंदी में कोई भी बोलते हैं कोई मछली जो जिसमें कि काफ़ी मात्रा में आयरन उसमें प्रचुर मात्रा में रहता है उसमें जो एसिड का जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छा रहता है फिर सौर मछली जो हिंदी में सौर बोलते हैं उसको गरई भी कहीं कहीं लोग बोलते हैं सेवर बोलते हैं वो मछली का पालन का तकनीक डेवलप किए हैं फिर है मागुर है मागुर मछली कर सकते हैं झींगा का पालन किया जा सकता है फिर पापदा मछली है और जो एक मध्यम वर्ग के कार्प एक कार्प होता है जो हमारा बड़ा है एक मध्यम वर्ग के कार्प है जिसमें पुंडिया सराना आता है फिर गोनियोनोटस है वो मछली क्या है कम जहाँ पर पानी पाँच से छः महीना ही पानी है एक्चुअली मछली पालन में क्या है आठ से बारह महीना चाहिए आपको पानी जी, तो मछली पालन में अच्छा रहता है उसकी गहराई डेढ़ मीटर के पास होना चाहिए बट कहीं बहुत सारे जगह जो हमारे भारतवर्ष में है क्या स्पेशली जो एम नरेगा में जो छोटे छोटे जो तालाब बने हैं उसमें पानी पाँच से छः महीना ही रहती है फिर गर्मी के दिनों में सूख जाती है तो वैसे स्थानों में वैसे तालाबों में हम ये मछली जो आपको मध्यम वर्ग जो कार्प है जिसको माइनर कार्प भी बोलते हैं वो कर सकते हैं फिर क्लाइम्बिंग पर्च की खेती की जा सकती है और इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है जी। तो ये सभी नई तकनीक है जो आ, हमारे हमारे विभिन्न राज्यों में इस इन मछलियों को काफी पसंद किया जाता है जिसे है जो हम कोई बोल रहे हैं कवई मछली बंगाल में ये मछली का कीमत करीब 300 से 500 रुपया है जबकि रोहू कतला का कीमत 150 से 200 रहता है तो वहाँ पर काफी मुनाफा भी कमा सकते हैं और लोगों को ये मछलियाँ खाने के लिए भी मिलेगी तो इत, और इसके बारे में अगर कुछ ज्यादा जानकारी जानना है तो हमारा इन, जो संस्थान का वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके देख सकते एक बार हैं डब्ल्यू 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 डॉट सी आई एफ ए डॉट एन आई सी डॉट इन चलिए और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइए बने रहिए दूरदर्शन के पर देखते रहिए लाइव फोन इन कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं आपके गांव घूमते फिरते का कार पहुंच चुका है मथुरा में हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह सात बजकर तीस मिनट आरोप के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइफ फोन कार्यक्रम हेलो किसान के लिए एक सकते हैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आयास मोहम्मद हमारे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर मौजूद है आइए उनका सवाल जानते हैं हेलो नमस्कार मैडम नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछे क्या जानना चाहेंगे मैडम ये जानना चाहता हूँ जा उसकी स्वच्छता टीकाकरण सब कुछ अच्छी तरह से कर लेते हैं जी मगर उसका भाव हमें सही नहीं मिल पाता छोटे जो जार, जार के जो फार्मर है दो हजार तीन हजार जो बच्चा पालन करते हैं उनका बिल्कुल तो मार्केट में जो उनका प्राइस है वो अच्छा नहीं मिल पाता आपको यास मोहम्मद जी का सवाल हाँ ये बहुत ही उचित प्रश्न आपका है और ये परेशानी फार्मर्स कई वर्षों से झेल रहे हैं बीच बीच में एक्चुअली जो कुकुट का व्यवसाय है इसकी जो मार्केटिंग है इसमें उतार चढ़ाव बहुत बहुत है ख़ासकर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे कई चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं जिन दिनों लोग मांस मछली नहीं खाते और अंडा नहीं खाते जैसे नवदुर्गा आएंगे उस समय सब छोड़ देंगे और पितृपक्ष आएगा उसमें सब छोड़ देंगे ऐसी सावन के महीने में मांस का जो सेवन है वो कम हो जाता है तो इस दशा में जो फार्मर है उसके साथ दिक्कतें आती हैं मगर शायद ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा उछाल है जो कुकुट मांस में और अंडे में भी दोनों में सात रुपये तक अंडा जो पहले तीन से चार तक मिलता था वो सात रुपये तक इस समय मार्केट में मिला है मैं समझता हूँ दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में हो सकता है दस तक भी पहुंचा हो और इसी तरह जो कुकुट मांस है ब्रॉयलर है वो कहाँ सौ के आसपास 110 के आसपास था अभी 180, 190 किलो रुपये किलो तक इसमें चढ़ान आया है तो इसकी वजह से फार्मर्स को बहुत लाभ हो रहा है और इस समय आपके शायद इस समय दिक्कत इतनी नहीं हो रही होगी कुछ समय ज़रूर आता है ख़ासतौर से जिस समय त्यौहारों का सीज़न होता है और लोग मांस मछली नहीं खाते इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं नई बनी हैं कुकुट पालन में जो इंटीग्रेटर्स आप जानते हैं जो दाने से ले बच्चे से ले और उनकी देखभाल सबका जिम्मा लेते हैं और आपको प्रति मुर्गी कुछ लाभ उसका देते हैं जो पहले से तय होता है बाकी लाभ उनकी पॉकेट में जाता है वो इतने बड़े पैमाने पर हो गया वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति घराने हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनको कंपीट करवाने में भी छोटे फार्मर को दिक्कत आ रही है किंतु फिर भी जो लोकल मार्केट है वो उनसे काफी अधिक मात्रा में पक्षी उठाते हैं जिससे उनके लोकल जो खपत है वो उसको पूरा कर सके और इस समय मार्केट अच्छी व्यवस्था में है पोल्ट्री का इस समय आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मिल सकता बिल्कुल तो वरुण बेनीवाल जी दिल्ली कैंट क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर इस वक्त हेलो हेलो जी वरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में आप अपना प्रश्न पूछें आप क्या हमारे पास जी हमारे पे मुर्गियां है उनके अभी बच्चे निकलवाए थे तो वो बच्चे हमारे प्रॉपरली बड़े नहीं हो पा रहे अपने टाइम से साथ तीन महीने हो गए उनको कहाँ से बच्चे लिए थे आपने हमने लिए नहीं हमारे तो उसके पास उन, उसने अंडे निकाले थे तो अंडे निकालते हमने अंडे बिठाए थे मुर्गी तो उसने बच्चे निकाले तो बच्चे वो सही से बड़े नहीं हो पा रहे टाइम से मुर्गी आप महीना हो चुका है वो मुर्गी आप कितने सालों से पाल रहे हैं जी हमारे को हो गए तीन साल हो गए वही मुर्गी चल रही है जो पहले शुरू करी थी इस मुर्गी को तो अभी सेकंड टाइम निकाला उसने सेकंड टाइम हो गया उसका हाँ तो ये ये बात मैं जानना चाहता था आपसे इसमें दिक्कत ही है एक जैसे आपने एक मुर्गी की संतति ली उसके बच्चों को फिर आपस में मेट करा के उनकी दूसरी संतति ले ली आपस में तो जब आपस में बहुत ही रिलेटेड मुर्गी और मुर्गी को आप जिनका आपस में सपोज वो बिल्कुल एक ही उनके माता पिता है एक है हाँ और या वो बिल्कुल सगे सगे भाई बहन ऐसे समझ लें आप साधारण भाषा में उनकी जब आपस में आप संकर बना देंगे क्रॉस करा देंगे तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो जरूर उनको खराब कर देगा दूसरा बात यह है जो आपको पिछले साल लाभ मिला होगा वो इस साल नहीं मिला होगा वो उससे आधी से भी कम ग्रोथ आई होगी ये एक अनुवांशिक प्रक्रिया है जिसमें जो लाभ आप प्रथम जनरेशन में ले लेते हैं यदि उनको दोबारा क्रॉस करा दें तो वो लाभ नहीं अर्जित हो पाता एक तो इसका कारण यह है कि उसमें जो पहले आपको हेट्रोसिस होती है जो गुणवत्ता प्राप्त होती है उछाल प्राप्त होता है दोनों ही चीजों में उनके जो प्रत्येक गुण है जिसके लिए आप उनकी मीटिंग करा रहे हैं वो बहुत ज्यादा होता है जी। पहली संतति में और दूसरी में वो आधा रह जाता है दूसरा ये आपस में रिलेटेड जो मुर्गियों को आपने संबंधित खून जिनके करीब करीब आपस में मिले हुए हैं उन्हें आपने जो आप मेट करा देंगे उन्हें आपस में क्रॉस करा देंगे तो वो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन या आपस में जो रिश्तेदारी में आप यदि उनकी ये करा दें क्रॉसिंग तो उसकी वजह से भी उनका प्रोडक्शन का ह्रास हो जाता है जी। तीसरा कारण ये हो सकता है कि उनको आप मैनेजमेंट में कुछ कमी छोड़ रहे हो ये जो सीजन है आपने उत्तर प्रदेश बताया उत्तर प्रदेश से हैं आप दिल्ली कैंट दिल्ली कैंट दिल्ली हाँ उत्तर भारत ही हुआ ये तो यहाँ ठंडा अच्छा खासा पड़ रहा है इस समय

चुनाव कर सकते हैं इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि विभिन्न राज्यों का जो रुझान है विभिन्न मछलियों के प्रति उसको देखकर भी हम लोग केंद्रीय संस्थान काम कर रहे हैं जैसे आपको देखिए सौर मछली है सौर मछली जो है उसका रुझान सबसे ज़्यादा तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और फिर कुछ हरियाणा और पंजाब में है जहाँ पर उस मछली का दाम पाँच सौ रुपया छः सौ रुपया प्रति केजी है और वहीं पर उसका भारतीय प्रमुख कार्प का एक डेढ़ सौ से दो सौ रुपया है तो और फिर आ जाए दूसरा मछली एक है जैसे पापदा करके एक मछली है जिसको बटर कैटफिश बोलते हैं पापदा मछली का बंगाल में और त्रिपुरा में उसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ ये मछली का कीमत कम से कम पाँच सौ से छः सौ रुपया किलो है क्योंकि वहाँ लोग ये पसंद करते हैं आप फिर मछली आ जाए एक जो समुद्री मछली है हिलसा करके वो उसमें बंगाल बंगाल से लोग जो हैं उनका काफ़ी ये पसंद है तो बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र हैं विभिन्न क्षेत्रों में और मछलियों का जो लगाव है वो बहुत है उसके अनुसार भी केंद्रीय संस्थान काम कर रहा है और, और हमने करीब करीब अभी पंद्रह से सोलह विभिन्न प्रजातियों के ऊपर काम किया है और उसका पूरी तरह टेक्नोलॉजी हमारे पास है जो किसान भाई चाहेंगे कि हम नई प्रजाति का पालन करें तो उनको थोड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्योंकि ये नई मछली है और प्रशिक्षण के बाद इसके ऊपर वो काम कर सकते हैं इसमें मुनाफा भी उनको ज़्यादा होगा जी बिल्कुल सुरेंद्र so, जी हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आइए जानते हैं उनका सवाल हेलो हेलो नमस्ते जी बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश, में मैं मुर्गा पालना चाहता हूँ जी जी हाँ बहुत आप अच्छा सोच रहे हैं और कड़कनाथ जो मुर्गा है उसकी डिमांड बढ़ रही है काफी ज्यादा क्योंकि लोग शायद पैलेस के बारे में इतने जागरूक नहीं थे अभी परसों के अखबार में ही बॉम्बे में किसी अखबार में छपा था कि सबसे महंगी मुर्गी पाँच सौ किलो कड़कनाथ की मुर्गी का मीट बिका कड़कनाथ मुर्गी आपको यदि पालना है तो आप हमारे संस्थान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं हमारे पास शुद्ध कड़कनाथ नस्ल के ये मिल जर्न प्लाज्मा आपको मिल जाएगा और हम उसको कमर्शली किसान भाइयों को सप्लाई भी करते हैं और जो हमारे निश्चित रेट हैं जिनमें हम कोई अपना लाभ नहीं लेते केवल जो उनके पालने में धनराशि खर्च होती है संस्थान की वही लिया जाता है तो उस रेट पर आपको फिक्स जो प्राइस संस्थान द्वारा करे गए हैं उस पर आपको वो मुर्गे दे सकते हैं और आप यदि कड़कनाथ मुर्गा पालते हैं तो थोड़ा आपको इसके विज्ञापन जरूर करना पड़ेगा क्योंकि कड़कनाथ कि मुर्गी के बारे में उसकी विशेषताएं यदि आप पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक जरूर इसकी तरफ आकर्षित होगी इसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसका मांस इवन ब्लड भी इसका काले रंग का होता है पूरा काले रंग का है खून भी काला है हड्डी भी काली है मांस भी काला है उसका रंग भी काला है इसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है और मुर्गी की अपेक्षा और ये ए, कुछ ऐसी इसके बारे में बातें प्रचलित हैं कि ये पुराने जमाने में बादशाह लोग या राजे महाराजे लोग खाते थे ताकि उनकी ताकत बढ़े तो उस दृष्टि से भी माना बहुत अच्छा माना जाता है उसका स्वाद भी जो हमारे ब्रॉयर है उनसे अलग जैसे और देसी मुर्गियों में थोड़ा हार्डनेस जूसनेस अलग तरीके की होती है उसमें इस तरह की है बिल्कुल सुरेश तो जी हमारे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं आइए उनका सवाल जाना हेलो हाँ जी सुरेश जी आपका स्वागत है और आपसे गुजारिश है अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए आज मैं पूछना चाहता हूँ बोलना चाहता हूँ पूर्ण पालन कर सकते हैं एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराए में मुर्गा पालन, मुर्गी पालन कर है, बिना तो किसी ट्रेनिंग तो के क्या मुर्गी का पड़ की सकते है। तो का आप सामना करना पड़ेगा जैसे बिना गाड़ी चलाए आप कार चलाने लगेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत है इसलिए किसी भी ये भी एक व्यवसाय की तरह बन गया मुर्गी पालन आप यदि आप बिना ट्रेनिंग लिए करेंगे तो आप इसमें जिस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि मैं इसमें अपना एक अच्छा लाभ कमाऊं एक साइड बिजनेस के रूप में से रखूं या मेन बिजनेस के रूप में रखूं, वो आपको काफी उसमें दिक्कत आएंगी क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तकनीकियां जुड़ी हैं यदि आप उन तकनीकियों तक अपनी पहुंच नहीं बनाएंगे तो आप ये बात निश्चित है कि आपको वो सफलता नहीं हासिल होगी जिसके लिए आप इस जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं घर के पिछवाड़े यदि आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री पालन कहते हैं उसके लिए भी छोटी मोटी चीज़ें जानकारियाँ तो आपको ज़रूर होनी चाहिए मगर वो सबसे प्रचलित और पारंपरिक या आसान तरीका है मुर्गी पालन का कि कुछ मुर्गी घर के पिछवाड़े चुगने के लिए तोड़ छोड़ दिया और शाम के समय में जो घर का किचन का वेस्ट बच जाता है हमारे वो उनको डाल देते हैं ताकि उनका सप्लीमेंट जो पूरा का हार बन सके वो उससे उनकी शारीरिक ग्रोथ हो जाती है वो अंडा भी दे देती हैं मगर उनसे आप वो लाभ अर्जित करने की आशा ना रखें जो आप एक लेयर या ब्रॉयर मुर्गी से आप रखते हैं वो आपको एक तरह से लो जीरो इनपुट में पलती है उनमें आपको कुछ पैसा नहीं खर्च करना होता केवल आप उनको छोड़ देते हैं एक छोटा सा रात के लिए उनके रुकने के लिए दड़वा बना देते हैं नाइट शेल्टर जिसको बोलते हैं ताकि वो रात में उसमें जाके बैठ जाएं सुबह दिन भर चुपती हैं शाम को थोड़ा सा पूरा कहा उन्हें दे देते हैं आप तो उससे उनका शरीर का काम चल जाता है वो आपको और मांस लेकिन बिना ट्रेनिंग के जो है वो वो पोल्ट्री फार्मिंग करना नामुमकिन ना प्रस्ताव बहुत बढ़िया नहीं है <laughs> चलिए और इसी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आपके फोन कॉल्स भी जरूर शामिल करेंगे लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का बने रहिए दूरदर्शन के महका महका घर आंगन हरियाली से खिलेगा मन छत पर छोटी सी बगिया जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह नौ बजे बार एक, बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक तीन शून्य छह शून्य और छह एक पे हमें फोन कर सकते हैं विशेषज्ञ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है और आप सभी से एक गुजारिश है जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन के आवाज को मत रखें एक दर्शक हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है राजस्थान से आई उनका प्रश्न शामिल करें हेलो नटवर जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए जी मैडम मेरे पास चार बीघा जमीन है मच्छी पालन जी, करना चाहता मैडम जी चार बीघा जमीन है मछली पालन करना चाहते हैं राजस्थान अच्छा, जयपुर से आपके पास पानी का स्रोत है नटवर जी फोन लाइन पर मौजूद हैं आप जी जी पानी का स्रोत है आपके यहाँ पानी के स्रोत है मेरे पास क्या आपके पास है बोरवेल है पानी या कोई बड़ा जलाशय है बोरवेल है या बड़ा जलाशय है बोरवेल है। okay. किसान भाई मैं आपको बता दूं आ, आप बोरवेल से भी मछली पालन पानी का लेकर मछली पालन कर सकते हैं आपका तालाब है या तालाब खुदवाना है फोनलाइन पर मौजूद नहीं आप। ओके। okay. तालाब नहीं है तो तालाब खुदवाना पड़ेगा और तालाब खुदवाने के लिए अगर आप सक्षम है या आप बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर आपको राज्य सरकार भी अनुदान देती है पचास प्रतिशत तो उनसे अनुदान लेकर के आप भी करिए और जब पानी का स्रोत है तो केवल आप ये देखें कि बोरवेल में जहाँ स्पेशली आप राजस्थान में हैं वहाँ पर पानी में जो क्षार्यता ज़्यादा है तो जब क्षार्यता ज़्यादा होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा वो आप देख लीजिए अगर क्षार्यता 120 से 200 सौ तक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इतना पीपीएम होने से मछली पालन आराम से कर सकते हैं आप उसकी गुणवत्ता जांच लें आप जिला जो मत्स्य पदाधिकारी के पास उनके लेबोरेटरी में जाकर और फिर उनका वो मछली पालन कर सकते हैं और राजस्थान में आप भारतीय जो प्रमुख कार्प है जो रोहू कतला मृगाल और एकजोटी कार्प मिला के पालन कर सकते हैं उसमें आप अगर एक हेक्टेयर के हिसाब से करीब दस हज़ार फिंगर लिंक्स जो कि करीब 100 से मिलीमीटर mm का साइज का होगा आप छोड़ें और 8 से 10 महीने में करीब करीब आपको आप उसमें खाना अगर देंगे तो 4 से 5 टन तक उत्पादन होगा जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश आपसे एक प्रश्न मेरा ये भी है कि सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि आप उन्नत बीज जो है हमारे किसान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा प्रश्न इसी के साथ यह है उन्नत बीज को ट्रांसपोर्ट करने में काफी दिक्कत आती है तो किस तरह से उसे कर सकते हैं जिससे इजीली उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके बहु, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया किसान भाइयों के लिए बहुत मददगार होगा उन्नत बीज की बात है तो आ, हमारा जो पूरे देश में जो मछली पालन हो रहा है जो बीज में जो बोलते हैं इनब्रीडिंग जो इनब्रीडिंग के कारण हमारा करीब बीस से तीस प्रतिशत उपज कम हो जाता है उसके कारण हमको उन्नत बीज आ, मिलना बहुत जरूरी है उसके लिए हमारा जो केंद्रीय मीठा जल अनुसंधान संस्थान जो भुवनेश्वर में है उसने एक प्रजाति विकसित की है रोहू से जो जिसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर कहते हैं वो मछली रोहू की रोहू है उसको जयंती रोहू नाम से नाम दिया गया है वो मछली हर एक उसका जो हम जनरेशन बोलते हैं अभी आठ जनरेशन उसका आठवां जनरेशन चल रहा है हर एक जनरेशन में उसको सत्रह परसेंट उसका ग्रोथ ज़्यादा है अभी करीब आप औसतन मान लीजिए कि दूसरा जो, जो सामान्य रोहू है उससे वो करीब करीब सत्तर uh, प्रतिशत uh, ज़्यादा ग्रोथ होता है उसमें तो वो सेम आपका मैनेजमेंट आप समान मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने के बाद आपको मछली का ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं उसके लिए अलग से कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा ये एक हुआ उन्नत बीज का और दूसरा उन्नत बीज अगर जहाँ से आप जिस तालाब हचरी से आप मछली ला बीज लाने जाते हैं वहाँ आप देखें कि वो सभी जो मानदंड है वो कर रहे हैं पूरा मछली अच्छे से वो उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं बीज को क्योंकि बहुत सारे हैचरी वाले क्या करते एक ही हेचरी पुल में रोहू कतला और मृगल सबका जो ब्रीडिंग करा देते हैं वो प्रजनन से क्या होता है उनका जीन पुल का डाइल्यूशन हो जाता है।, है और रोहू का कतला में कतला का मृगल में ऐसे हो जाते हैं जिनसे क्या है वो जो लंबे समय में वो बहुत ही हानिकारक है उसमें ग्रोथ में वृद्धि में कमी आ जाती है और आपको उत्पादन बहुत कम जाएगा इसलिए जब भी बीज खरीदें तो ये ध्यान रखें फिर दूसरा आपने पूछा कि उसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करें उसको एक तरह एक जगह से दूसरे जगह अभी काफ़ी तकनीकी इसमें उसमें डेवलप किया है विकसित किया है उसमें क्या है कि जो पॉलीथीन पैकिंग करते हैं ऑक्सीजन और पानी के साथ और वो अभी करीब 20-25 घंटे तक आराम से ट्रेन में हो फ्लाइट है एक कोने से दूसरे कोने में मछली का बीज जा रहा है तो उसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है आराम से और अगर तीस से पैंतीस घंटे की भी जर्नी है तो एक बार कर देते हैं ऑक्सीजन का तो देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है अनिकेश जी हमारे साथ बिहार से फोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त आइए उनका सवाल शामिल करते हैं हेलो हेलो अनिकेश जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछे थैंक यू मैम थैंक यू सो मच मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ जी और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग प्रोफेशनल पोल्ट्री फार्मिंग अगर करनी हो तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और क्या वो एक प्रोफेशनल लेवल पे करने के लिए एक यंगस्टर्स के लिए सही रहेगा जी जी बहुत अच्छा सवाल है आपका और सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करूँ कि आपने कहा सही रहेगा तो सही नहीं, बहुत सही रहेगा और एक सवाल मेरा आपसे है अनिकेश जी क्या आप इसे इंटरनेशनल लेवल पर करना चाहते हैं हेलो क्या आप इसे इंटरनेशनल लेवल पर करना चाहते हैं नहीं सर मैम ले, नेशनल लेवल पे करना चाहता हूँ और आ, मतलब बिकॉज हमारे जगह से गोरखपुर काफी नजदीक पड़ता है नहीं? और गोरखपुर में काफी प्रोफेशनल तरीके से ये पोल्ट्री फार्मिंग होती है जी तो इसको देखते हुए तो मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ पोल्ट्री फार्मिंग के लिए तो, तो मैं नॉर्थ बिहार में इसको फैलाना चाहता हूँ पहले जी बिल्कुल तो जैसे मैंने कहा इसमें आपका विचार काफ़ी अच्छा है और आप आराम से पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में उतर सकते हैं बिहार में पहले ही काफ़ी जो पोल्ट्री फार्मर्स ऑलरेडी कई सारे पोल्ट्री फार्मर्स हैं और काफ़ी अच्छी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और लाभ अर्जन भी कर रहे हैं कुछ मेरे संपर्क में भी हैं हमारे संस्थान से ट्रेनिंग लेकर भी कुछ लोग गए उन्होंने भी अपना पोल्ट्री फार्मिंग का काम स्टार्ट करा है तो आप यदि पोल्ट्री फार्मिंग ब्रायलर की या लेयर की करना चाहते हैं किसकी करना चाहते हैं फोन लाइन पर मौजूद नहीं है आप यदि आप ब्रायलर की पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्थाएं आपको अलग करनी तरह से करनी पड़ेंगी उसके शेड वगैरह अलग तरह बनते हैं यदि आप लेयर की करना चाहते हैं तो उसके लिए शेड आपको अलग तरह बनाने पड़ेंगे उसमें केज उन सब की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया किसी भी फार्मिंग के लिए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको एक तो जो आप जर्म प्लास्ट दे रहे हैं या जो जो बीज ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह है यदि वो बढ़िया नहीं होगा तो बाकी आगे की चीज़ें आप कितने भी उसमें लागत लगाएँ उतना ग्रोथ या उतना उसमें अंडा उत्पादन नहीं होगा दूसरा आप दाना जो उन्हें दे रहे हैं वो दाना जिस सोर्स से भी आप खरीद रहे हैं वो पूरा एक पुष्ट दाना होना चाहिए सब मिश्रित आहार होना चाहिए बैलेंस्ड जिसमें सब चीज़ें हों और आप जो उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं वो व्यवस्था उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जब सारे प्रबंध हों तापमान तापमान ताप का जो अनुकूलन है उसकी व्यवस्था भी आप करें ताकि गर्मी में उसमें हवा आ, का आना जाना अच्छी तरह रहे वेंटिलेशन अच्छी तरह रहे और ऊपर स्प्रिंकलर वगैरह यदि लगवा देते हैं तो बिहार में गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ती है तो उनका तापमान थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए वो जानना चाहते थे कि इसमें लागत भी कितनी आएगी लागत तो मैडम इस पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े स्तर का खोलना चाहते हैं मतलब लाखों की तादाद में भी एक आदमी पोल्ट्री पालता है शुरुआती लाग पे अगर करें तो कितनी लागत आ सकती है चाहे ब्रॉयलर करें करें या लेयर करें। बहुत संक्षेप में क्योंकि हमारे पास समय ब्रॉयलर में, में अगर ये इनके पास जमीन अपनी है तो करीब इन्हें अगर एक हजार बर्ड से भी स्टार्ट या दस हजार बर्ड से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अगर उनके हाउसेस बनाने में मेन खर्चा खर्च होगा जो आपको लागत आएगी अब आपके यहाँ यदि प्रति स्क्वायर फिट जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो डेढ़ हजार स्क्वायर फिट के आसपास इस समय है यदि इसके लागत के हिसाब से आप लागत लगा सकते हैं अगर आप 10 शेड बनवाते हैं जिसमें 100 सौ मुर्गियाँ रहें तो एक हज़ार मुर्गी पल सकती है बच्चे पल सकते हैं उनमें चूजे जी। तो आप 10 बाई 10 के 10 कमरे बनवाएं तो 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लगाएं एक जो आप कमरा बनवाते हैं उनके लिए ब्रूडर हाउस उसमें आपका करीब करीब 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से करीब हजार ₹15000 लग जाएगा एक डेढ़ लाख रुपए तक जी 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 तो इस तरह से आपका वो व्यवस्था आपको चाहिए 10 कमरे आप बना रहे हैं प्लस उनमें आप प्रकाश और तापमान की व्यवस्था में थोड़ा खर्चा आएगा जी तो ये आपका लागत उसमें लगेगी चलिए आप लोग आए डॉक्टर सक्सेना डॉक्टर राजेश इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई उनके प्रश्नों के उत्तर दिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय था ब्रॉयलर उत्पादन और मछली पालन हम आशा करते हैं कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियों से और जितने भी हमारे दर्शकों ने हमें कॉल किए या जिनका फोन नहीं लग पाया लेकिन उन्हें अपने जवाबों से जरूर संतुष्टि हुई होगी आइए कल के जागो किसान का आपको विषय बता दें कल के जागो किसान कार्यक्रम का विषय रहेगा उपभोक्ता खरीदारी गुणवत्ता और नकली सामान की जागरूकता तो अब हेलो किसान में अगर आप हमें कोई भी प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ई मेल नोट करें हमारा ई मेल है हेलो किसान दो और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही मुझे दीजिए इजाजत आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान नमस्कार